नमस्कार, कैसे हो कलाकारों? दर्जनों वीडियो देख लिए पर लुमिस मेथड समझ में नहीं आता। आज का वीडियो देखने के बाद मेरा वादा है कि लुमिस मेथड आप लोगों को इतना आसान लगने लगेगा, एक एक डिटेल्स मैं इलेबोरेटली बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो लोग सीरियस हो वही लोग वीडियो देखना, अदरवाइज ये वीडियो का कोई फायदा नहीं है, तो स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक सर्कल ले लेंगे। अब ये सर्कल का हाइट और इसका विड्थ, ये दोनों बराबर होना ही चाहिए, जैसे कि अभी है। तो ये बार बार सर्कल प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग लेंगे एक स्ट्रेट लाइन और उसको क्रॉस करता हुआ और एक स्ट्रेट लाइन। मगर कैसे, ये लाइन डिपेंड करता है कि आपका फेस किस दिशा में आप बना रहे हैं, मतलब फेस देख किधर रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये एक फेस है और ये फेस अभी देख रहा है इस तरफ, तो ये लाइन आ जाएगा ऐसे और ये लाइन हो जाएगा ऐसे, इस तरह से हो जाएगा। अब यहीं पे कोई फेस अगर हमारा इस तरह से देख रहा है तो फिर यहाँ पे इसका ये लाइन हो जाएगा ऐसे और ये लाइन इस तरह से। तो इसी तरह से जिस भी एंगल में हम लोग ये आँख को रखना चाहते हैं, उस एंगल में ही ये क्रॉस लाइन्स हम लोग खींचेंगे। तो इसका भी मैं क्रॉस लाइन खींचता हूँ लगभग कुछ इस तरह से, और ये सेंटर से होना काफ़ी ज़रूरी है। अब हमारा ये जो टैबलेट का तरह एक शेप बन गया, हम लोग इसका यहाँ 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 और यहाँ ये चारों में से किसी भी एक डॉट को हम लोग इसका हाइट बना सकते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ, नॉर्मली जैसे ये एंगल में मैं बना रहा हूँ, एक्चुअली क्या है, इसको मैं जिधर घुमाऊँगा उसी एंगल में फेस बनेगा। तो ये मैं इस पेपर को इस तरह से टर्न कर दिया और अब मैं ये लाइन को बनाने वाला हूँ आईब्रो लाइन। अब इसके अंदर हमें एक और सर्कल करना है, तो ये कोई भी एक लाइन को हम लोग तीन हिस्सों में बांट लेंगे। सारे लाइंस को बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक लाइन। अब हमें मिल गया अंदाज़ा इतना, ये जो फर्स्ट का है उतना ही पार्ट में यहाँ एक क्रॉस और इधर एक क्रॉस और इधर एक क्रॉस। अब इसके बराबर हम इजीली एक लाइन खींच लेंगे। तो ये लाइन का मेजरमेंट के लिए हमेशा स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये मेजरमेंट कैसे मिलेगा, तो इस तरह से आसानी से मेजरमेंट लिया जा सकता है। और अगर आपका हाथ फ्री है तो आप आसानी से एक सर्कल भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये करने के बाद ये लाइन के स्ट्रेट में यहाँ पे भी हमें एक लाइन लेना है, मगर इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ना लेके इसे हल्का सा कर्व ले लेते हैं, क्योंकि हमारा फेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ना होके वो हल्का सा ओवल होता है, वो हल्का सा ओवल होता है इस तरह से। तो इसीलिए थोड़ा सा ओवल हमने ले लिया। और लेने के बाद ये पार्ट से यहाँ तक, जैसे कि फ्रंट व्यू और प्रोफाइल व्यू में भी हमने देखा था, सेमी प्रोफाइल व्यू में, उसी तरह से ये ऊपर का दोनों पार्ट एक बराबर होना चाहिए। और इसी के बराबर में हम यहाँ नीचे भी एक और लाइन ले लेंगे, ये हमारा बन जाएगा चिन लाइन। तो ये हो गया क्रीनियम और इसके साथ ये जॉ मिलके हमारा फेस का स्कल बिल्कुल रेडी है। अब ये स्कल में सिर्फ हमें डिटेल्स डालनी है और पोर्ट्रेट रेडी। तो चलिए इसमें अब डिटेल्स डालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऊपर का फोरहेड लाइन है, ये लाइन में से यहाँ पे एक स्ट्रेट आते हैं, ये जगह हम लोगों का बनेगा आईब्रो। तो यहाँ पे एक आईब्रो ड्रॉ कर लेते हैं और आईब्रो के बाद ये थोड़ा अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद ये वापस आएगा, यहाँ तक आएगा और ये बन जाएगा नोज। तो जैसे कि यहाँ मैंने खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पे नॉस्टल्स बना देंगे और यहाँ से स्ट्रेट आते हुए यहाँ पे ये जो नीचे का पार्ट है इसका सेंटर से थोड़ा ऊपर यहाँ पे आके एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये लाइन तक बन जाएगा लिप्स, और फिर ये नीचे का लिप्स यहाँ से चिन अंदर जाते हुए फिर बाहर आके ये बन गया चिन। अब हम लोगों का जो ये स्पेस है यहाँ पे हम लोग ईयर्स बना लेंगे, ये ईयर्स खत्म होंगे यहाँ पे आके ये लाइन में, ये ईयर्स ड्रॉ कर लिया और यहाँ से आ जाएगा गर्दन बिल्कुल चिन के साथ ही, और इधर में नेक लाइन, ये नेक लाइन, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का, इसका पैरेलल हम लोग अगर नीचे आते हैं तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वही हम लोगों का नेक लाइन होगा। और यहाँ से एक लाइन और फिर यहाँ पे आँख, आँख के लिए पहले ऊपर फिर यहाँ पीछे जस्ट ये लाइन को क्रॉस करते हुए, और उसके बाद यहाँ पे आई बॉल हेयर डाल देंगे
ये हमारा प्रोफाइल व्यू कंप्लीट हो गया। तो इसी को अगर हम लोग बार बार प्रैक्टिस कर ले, 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेने पे ही बिल्कुल इजी हो जाएगा और आसानी से आप लोग बना पाएंगे। और पोर्ट्रेट का ये फुल सीरीज देखने के लिए राइट साइड का प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, और अगर फिगर के बारे में कुछ जानना हो तो लेफ्ट वाले वीडियो में क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।